वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लेमन मोहितो मॉकटेल। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, स्पेशली फॉर समर्स, बेटर देन मार्केट की कार्बोनेटेड ड्रिंक से। आइए देखते हैं कैसे बनेगी हमारी ड्रिंक। यहाँ पे मैंने 3 नींबू, थोड़ा सा पुदीना और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का यूज़ किया है। साथ ही साथ थोड़ी सी बर्फ, चीनी, काला नमक, जीरा पाउडर और एक चौथाई चम्मच तक जलजीरा पाउडर। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। सबसे पहले हमें अपने जार में लेमन का जूस निकाल लेना है। स्क्वीज़र की हेल्प से करिएगा ताकि लेमन के सीड्स अलग हो जाएं और जूस अलग। मैं डायरेक्टली जार में ही ट्रांसफ़र कर रही हूँ सब कुछ। मैं तकरीबन 4 ग्लास तक बना रही हूँ, इसलिए 3 नींबू का यूज़ कर रही हूँ। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उस हिसाब से आप लेमन का यूज़ करें। इवन मैं इस ड्रिंक में सोडे का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और स्पेशल बात है, होम मेड है, बस शुगर ऐड करना है, आइस क्यूब्स थोड़े से मुझे कम लग रहे हैं और ऐड कर लेते हैं। अदरक डायरेक्टली मैं डाल रही हूँ, मैं ग्रेट नहीं कर रही हूँ। पुदीना अच्छे से धो लें फिर उसको डालें। और बस थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। पहले थोड़ा पानी डालेंगे हम ताकि अच्छे से हमारा ग्राइंड हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपको इसे ब्लेंड करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कैसे इसका कलर और टेक्सचर चेंज होता गया है। अब बस नमक, भुना जीरा और थोड़ा सा जलजीरा पाउडर और फिर से एक बार इसे ब्लेंड कर लेंगे ताकि सारे मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। देख सकते हैं आप, बहुत ही टेम्पटिंग मॉकटेल है हमारा ये। अब बस एक छन्नी की हेल्प से हमें इसे छान लेना है। और थोड़ा सा मैं पुदीना इसमें ऐड करूंगी। डायरेक्टली मैं ऐसे ही डाल रही हूँ पुदीना को। एक मेसन जार लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू और पुदीना डाला है और बस अपनी ड्रिंक को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इस जार में। आप देख सकते हैं बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही टेम्पटिंग है, ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई भी बाहर के प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं है। डू सब्सक्राइब माई चैनल।